Good evening, students. Today I will tell you the types of counter. As we know that there's two type of counter, asynchronous counter and synchronous. Asynchronous counter ko hum ripple counter bhi keh sakte hain, theek hai? Sabse pehle hum iska difference padhenge, asynchronous and synchronous counter. First, flip-flop are connected in a such way that the output of first flip-flop drives the clock of next flip-flop. And synchronous, there is no connection between the output of first flip-flop and clock of next flip-flop. Matlab ki hama asynchronous mein kya hota hai, hamari clock jise first flip-flop hai, iska agar output aata hai QA, to ye kya behave karega, as a clock karega second flip-flop ke liye, theek hai? To ye aise way mein connected hote ki first flip-flop drive karega second ko, but synchronous mein aisa nahi hota hai. There is no connection between the output of first flip-flop and the second flip-flop. Now, second difference. Flip-flop are not clocked simultaneously. We know that in synchronous, our clock is not simultaneously. And synchronous, our flip-flop simultaneously rehti. Third difference is that in the circuit, it is simple and there are more number of states. Rehte. मगर सिंक्रोनस में क्या होता है, सर्किट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड एज नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्रीज. जैसे ही स्टेट्स बढ़ते जाएंगे तो हमारा सर्किट कॉम्प्लिकेट होने लगेगा. फोर्थ, स्पीड इज स्लो एज क्लॉक इज प्रोपोगेटेड थ्रू द नंबर ऑफ स्टेजेस. इसमें स्पीड स्लो होती है और सिंक्रोनस में स्पीड हाई होती है, ठीक है? अब हमें इसमें पढ़ना है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर कितने टाइप्स के. ये है हमारे थ्री टाइप्स के, ठीक है? अप काउंटर, डाउन काउंटर एंड अप डाउन काउंटर. अप काउंटर क्या होगा, इसमें हमारी स्मॉल टू लार्ज काउंटिंग करेंगे पल्सेस की, ठीक है? 0 1 2 3 अप टू डैश डैश डैश. डाउन काउंटर में क्या होगा, 7 फॉर एग्जांपल 7 6 5 4 3 2 1 0, मतलब लार्ज से स्मॉल जा रहे. और एक होता है हमारा अप डाउन काउंटर, ठीक है? ये कॉम्बिनेशन रहता है दोनों के. अब हम पढ़ेंगे 3 बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर. एसिंक्रोनस अप काउंटर कैसे बनेगा, 3 बिट की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, 3 जेके फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, ठीक है? ए बी सी तीन फ्लिप फ्लॉप हो गए, जे ए के ए क्यू ए. अब ये क्या है हमारा, एसिंक्रोनस है, ठीक है? हमने नेगेटिव एच ट्रिगरिंग क्लॉक दी है. कैसे पता चलता है ये नेगेटिव है, यहाँ पे बबल लगा रहा है. अगर यहाँ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग दी होती तो हमारा ऐसा होता, ठीक है? ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है. यहाँ से कॉमन कर दिया है जेके का कनेक्शन, हमने लॉजिक देंगे यहाँ पे, ठीक है? क्लॉक पल्सेस, ये जो आउटपुट आएगा यहाँ पे गया. अब क्या करेंगे, अब एसिंक्रोनस अप काउंटर, काउंटर क्या काम करता है हमारा, पल्सेस को काउंट करेगा. क्यू ए क्यू बी क्यू सी हमारे तीनों आउटपुट हो गए. QC हमारा क्या होगा, MSP, और QA क्या होगा, LSP. अब हमने सिग्नल जो दिया है, अगर हमने क्लॉक दी है, ये हमारी क्लॉक है, ठीक है? क्लॉक पल्स है पूरी 0 to 8. कैसे 8 हो रहा है, 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर है, 2 to the power 3 इज इक्वल्स टू 8 स्टेट्स होंगे हमारे पास, तो ये वही है, ठीक है? नाउ अब QA पे जा रहे हैं. ये क्या है हमारा, फॉलिंग एज एज है. फॉलिंग एज रहेगा, नेगेटिव ट्रिगरिंग दे रहे तो फॉलिंग एज से हमारा राइज करेगी पल्स, ठीक है? फॉलिंग एज से हम ट्रिगरिंग देंगे, हमने पल्स दी है. अब क्यूए कैसे जाएगा, जहां जहां फॉलिंग है वहां से हमारा राइज हो रहा है, ठीक है? ये देखिए, ये गया, फिर से यहाँ पे 0 हो गया, फिर अगेन 1, फॉलिंग एज डिक्रीज हुआ, फिर ये अप टू 8 तक, यहाँ तक, ठीक है? ये क्यू ए हो गया. अब क्यू बी पल्स कैसे जाएगी हमारी, जहाँ हमारी फॉलिंग एज है वहाँ से हमारा राइज होगी यहाँ पे पल्स. देखिए यहाँ तो कोई फॉलिंग एज है नहीं, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा इनिशियली. यहाँ पे 0 हुआ, फिर अगेन फॉलिंग एज पे फिर 0 हो गया, ये गया, ठीक है? नाउ सिमिलर एज इन क्यू सी, यहाँ पे क्या फॉलिंग एज हो रहा है, नहीं ये तो राइजिंग एज है, हमें फॉलिंग एज से देना है इनिशियली. अभी हमारा यहाँ पे 0 है, तो
ये हो गया हमारा क्यूसी की, ठीक है। अब हमें इसकी एक्साइटिंग टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें एक चीज और देखिए, जे एंड के, अगर हम जे इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू वन देते हैं तो हमने एक कंडीशन पढ़ी है टॉगलिंग की, क्यू एन प्लस वन इज इक्वल्स टू क्यू बार एन, मतलब नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। अब हम इसकी एक्साइटेशन टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, इनिशियली अगर हम क्लॉक, इनिशियली क्लॉक कैसे दे रहे हैं हम यहाँ पे, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है, क्यू ए क्यू बी क्यू सी, तो ये हो गया हमारी टेबल, क्लॉक हो गई क्यू सी क्यू बी क्यू ए एंड डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है। हमने हमारी पहले कंडीशन क्या है, ज़ीरो, तो इसके इक्वल क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अब नेक्स्ट में देखिए, वन पे देखिए, वन पे क्या हो रहा है, हमें हाई मिल रहा है, मतलब वन, यहाँ पे क्या है, ज़ीरो, ये ज़ीरो, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्यू सी था हमारा ज़ीरो, क्यू बी था ज़ीरो, क्यू ए वन था, मतलब फर्स्ट पे में क्या मिल रहा है, फर्स्ट लाइन पे वन में आ गया हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट। सिमिलरली देखिए, अब कहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है हमारा सेकंड राइजिंग एज पे, ये क्या हो रहा है, ज़ीरो, यहाँ पे वन, यहाँ ज़ीरो, ठीक है। तो सेकंड लाइन पे ज़ीरो, क्यू सी ज़ीरो है हमारा, क्यू बी वन और क्यू ए ज़ीरो, तो ये क्या शो कर रहा है, टू। सिमिलरली ऐसे ही हमारा थ्री पे रहेगा, थ्री पे क्या हो रहा है हमारा, ये वन वन ज़ीरो, ठीक है, थ्री पे मिल जाएगा हमें, थर्ड पे वन क्यू सी ज़ीरो क्यू बी क्यू ए वन वन, तो क्या हो गया, थ्री। सिमिलरली फोर्थ लाइन पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो और ये वन, ठीक है, तो क्यू सी हमारा क्या हो जाएगा, वन बाकी ज़ीरो, तो ये हो गया फोर। देखिए फाइव पे भी, अगेन फाइव पे वन, यहाँ ज़ीरो, यहाँ वन, सिक्स पे भी, सिक्स पे हमारा हो गया ज़ीरो वन वन, ठीक है, तो हमें सिक्स मिलेगा। सिमिलरली सेवन में क्या हो रहा है, सेवन में हमारा वन वन वन, एट पे क्या हो रहा है हमारा, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, देखिए लिख सकते हैं इसमें फाइव सिक्स सेवन, हमने देखा, मैंने अभी लिखा नहीं था, हमें वन ज़ीरो वन मिल, ज़ीरो वन मिल रहा था फाइव पे, तो फाइव शो कर दिया हमें, सिक्स पे डबल वन ज़ीरो, सेवन पे वन वन, ठीक है, एट पे क्या हो रहा है हमारा सब, ज़ीरो ज़ीरो। अब देखिए ये कैसे पता चल रहा है, देखिए काउंटर क्या करेगा, ज़ीरो, थ्री पे टे सिंक्रोनस काउंटर, अब काउंटर बनाया तो ये ज़ीरो टू सेवन तो वर्क करेगा हमारा, जैसे ही एट पे आएगा तो ये क्या हो रहा है, ज़ीरो ज़ीरो, तो अगेन क्या हुआ, ये एट काउंट नहीं किया इसने, कितने पल्सेस काउंट किया, ये शो कर रहा है कि हाँ ये थ्री बिट का ए सिंक्रोनस काउंट, एट पे क्या हो गया हमारा ज़ीरो, देन अगेन बैक टू ये हो गया, फिर से वही पल्सेस फिर गिनेगा, ये काउंट करेगा उसे, तो ये है हमारा थ्री बिट सिंक्रोनस एसिंक्रोनस अप काउंटर।